हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ये वीडियो बनाई है। सामने आपको एक प्लांट दिख रहा होगा, ये मैं बता दूं कि ये एक्सोरा का प्लांट है, येलो एक्सोरा का प्लांट है। इसे मैंने लास्ट ईयर लगाया था लेकिन इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। फिर एक दिन अचानक से मेरा ध्यान इसकी पत्तियों पे गया तो मुझे पता चला कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई हुई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ तो शायद आप भी समझ पाएं। आप इसकी पत्तियों को देखिए, ये पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे डिसकलर हो गई हैं, ऐसा लग रहा है कि इनमें कोई रंग ही नहीं है। इन पत्तियों ने अपनी रंगत को खो दिया है और बिल्कुल येलो डल दिख रही हैं। फ्रेंड्स, इसका वजह क्या है मैं आपको बताता चलूँ। आप अक्सर अपने प्लांट्स को NPK MPP वगैरह देते हैं तो इन चीज़ों को जो देते हैं ये बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन हो गया, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी को भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही इन प्लांट्स को भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी डिफिशियंसी हो जाने पे इसकी पत्तियां दिखाती हैं आपको कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है और इसलिए हमारा कलर ऐसा हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें ऐसी डिफिशियंसी आई होगी। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें ताकि ये प्लांट फिर से हेल्दी हो जाए? अभी तो इसकी हालत बहुत ख़राब है, मुझे देख के इस पर तरस आ रहा है, लेकिन चूँकि आगे मैं वीडियो में बताऊंगा इसकी ट्रीटमेंट के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मुझे नहीं मिल पा रही थी, जिसे फिर मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे रोजेरियन हैं शैलेंद्र कुमार सर ने ला करके मुझे वो चीज़ प्रोवाइड किया और फिर मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ। इसके साथ इसकी अपडेट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि यूज़ करने के बाद इसका क्या मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आई है इसको दूर करने के बाद ही ये प्लांट हेल्दी हो पाएगा और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आ पाएंगे। प्लांट हेल्दी रहेगा तभी ये फ्लावर देगा। इसमें जब तक ये हेल्दी नहीं हो जाता, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ट्रीट नहीं हो जाती, तब तक इसमें किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होगी। चाहे हम 0.5234 MPP दे दें या NPK दे दें या कुछ भी, कोई PGR रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह कुछ भी दे दें, इस पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड, इसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत की पूर्ति कैसे करें ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें और मैं भी आप सबसे जुड़ सकूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस एक चीज़ की इसको ज़रूरत है मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। इसमें बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ों को यूज़ किया है लेकिन जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिला है वो एग्रोमिन मैक्स से मिला है। ये अराइज एग्रो लिमिटेड की बनाई हुई एक फर्टिलाइज़र है और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ट्रस्ट कीजिए मेरा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। इसमें आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है और बोरॉन है, मॉलीबाइडनम है। ये सारी चीज़ें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी कमी से आपका प्लांट ऐसा हो गया है या मेरा प्लांट ऐसा हो गया है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें इस प्लांट के गमले की ठीक तरीके से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के लिए फ्रेंड्स, आप कोई भी इस तरह का पतला टूल ले लें, इसे हम खुरपी कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर या पेचकस का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले इसकी ठीक तरीके से आपको गुड़ाई कर देनी है। इसकी ठीक तरीके से गुड़ाई हो गई है, अब इसमें हमें एग्रोमिन को डालना है। सबसे पहले आप 300 ml पानी ले लें। ये मैंने एक डिब्बा काटा हुआ है 300 ml मेज़र करके। आप भी ऐसा कोई सरसों का तेल रिफाइन या कोई भी ऐसा डिब्बा ले लें और 300 ml उसको मेज़र कर लें और
इस 300 ml पानी में आपको लगभग 1 ग्राम से 1.5 ग्राम एग्रोमिन मैक्स का यूज करना है। तो हम पहले एग्रोमिन भी ले लेते हैं। ये स्पून है, ये लगभग 3.5 ग्राम का होता है और ये अमाउंट इसके लिए सफिशियंट है। ये 3 ग्राम का स्पून है जिसके बिल्कुल नीचे बॉटम में ये लगा हुआ है। देखने में भले ही ये ज़्यादा लग रहा है, अब आप इसे इसमें घोल लें। हमने ये इसमें घोल लिया है, अब अच्छे तरह से मिक्स हो गया है ये। और इसमें सिंपली इसको ऐसे नहलाते हुए इस प्लांट को इसमें डाल दें। अब हमें और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस हमें इसी प्रोसेस को 4 दिन बाद फिर रिपीट कर देना है। यानी कि आज आपने दिया, फिर 3 दिन वेट कीजिए और 4th दिन इसे फिर से रिपीट कर दीजिए। यानी 300 ml पानी में फिर से 1 से 1.5 ग्राम एग्रोमिन मैक्स घोल करके इसमें डाल दीजिए। ऐसा 2 से 3 बार कीजिए और जो चेंजेस आप चाहते हैं वो चेंज इसमें आ जाएगा, पौधा आपका बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। मैं भी नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपडेट ज़रूर दूंगा। आपको भी अगर इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचे तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।